बेटा आज आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर सबसे सस्ता प्लांटेड टैंक बनाने का तरीका। सो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं परी फिश एक्वेरियम में और हम सबके चाहते हैं आरी भाई हमारे साथ में। और आरी भाई आज हमें बताने वाले प्लांटेड टैंक के बारे में, वो प्लांटेड टैंक कैसे सेटअप करना है वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में, इसके बारे में आज आरी भाई हमें बताने वाले। आज का टॉपिक मेरा प्लांटेड टैंक के ऊपर है और सबसे पहले मैं आप लोग का वेलकम करूंगा फिश एंड प्लांट चैनल के अंदर। ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं उसके ऊपर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर सबसे सस्ता प्लांटेड टैंक बनाने का तरीका। काफ़ी लोगों ने देखा रहेगा कि भाई बहुत कॉस्टली लगता है टैंक प्लांटेड बनाने के लिए, दिमाग में बैठ गया 10-15 हज़ार रुपये खर्चा बैठेगा, 20 हज़ार का खर्चा बैठेगा। अगर और ज़्यादा महंगा बनाएंगे 3-4 लाख रुपये का खर्चा बैठता है। जिस टाइप का प्लांटेड बनाएंगे आप उस टाइप में खर्चा बैठता है। तो मैं आप लोग को सबसे इजी तरीका और सबसे कम कॉस्टिंग में आपको प्लांटेड टैंक बनाने का तरीका बताऊंगा। तो अरे भाई, प्लांटेड टैंक एक सिंपल वाला कैसे सेटअप करना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले हमें क्या लगेगा? सबसे पहले टैंक लगता है भाई। ओके, टैंक बाय करना पड़ेगा। हाँ। टैंक अगर 1 फीट का हम बाय करते हैं तो अरे भाई उसका कितना जाएगा बजट? 350 रुपये आपको एक टैंक 350 रुपये विनाइल के साथ आएगा, पोस्टर लगा के ब्लैक साइड का। ओके, पीछे वो प्लांटेड टैंक के लिए जैसा ये ब्लू वाला पीछे साइड में लगा है, वैसा ब्लैक कलर का लगा। अगर आप ब्लैक वाला लगाते हो तो आपको पड़ेगा 1 फीट के टैंक के साथ 350 रुपीज़ का मिल जाएगा वो, बराबर? यस। ओके, और उसके बाद में आरिफ भाई हमें क्या लगेगा? उसके बाद आपको सैंड लगेगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे अपने प्लांट्स लगाने के लिए सैंड लगा। हाँ, सैंड लगेगी। मिनिमम इसका 2 इंच का आपको वो चाहिए, 2 से 2.5 इंच का इसका गैप चाहिए उनके रूट्स जाने के लिए। हाँ, रूट्स अंदर घुसने के लिए 2 से 2.5 इंच का उसका लेयर बनाना है आपको। ओके, तो आरी भाई इसमें कौन कौन सी टाइप की सैंड यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन है आपका? उसके अंदर आपको गोल्डन सैंड, ब्लैक सैंड, रिवर सैंड आप यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप इसको 3 किलो का बैग लेके या 3-3 किलो के 2 बैग लेके अमेजोनिया भी डाल सकते हो, तो 2,000 रुपये उसका प्लस हो जाता है सैंड का। अमेजोनिया ये वाला एक प्रोडक्ट है वो डालोगे तो हाँ, सैंड बोलते हैं उसको, ब्लैक कलर की आती है, वो डालेंगे तो आपका कॉस्टली पड़ जाएगा थोड़ा सा टैंक। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप गोल्डन सैंड बेस्ट है भाई, इसमें भी प्लांट उग जाते हैं। हाँ, मतलब आपने भी लगाया तो इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। उसी के साथ में यहाँ पे भी देख सकते हो फ्रेंड्स आप, इन्होंने सेम गोल्डन सैंड यूज किया है। हाँ। तो उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। आपको जो साइड में दिख रहा है वो रिवर सैंड है, थर्ड नंबर का जो लैटरलाइन सैंड है और फर्स्ट नंबर का जो गोल्डन सैंड है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये तीनों में से कोई भी सैंड आप प्लांटेड टैंक के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अमेजोनिया सॉइल भी यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा बजट बढ़ जाता है करके हम रिकमेंड नहीं करेंगे। हम ये तीन ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन चूज कीजिए, 50 रुपीज केजी के हिसाब से ये कोई भी सैंड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास सैंड का पैसा भी नहीं होता तो रिवर्स कंस्ट्रक्शन सॉइल भी यूज कर सकते हैं। ओके अरे भाई, ये कंस्ट्रक्शन में जो सॉइल यूज करते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं आप प्लांटेड के लिए। ग्रेट ग्रेट, ये भी एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन बताया अरे भाई, ये फ्री में मिल जाएगा। आपको मैं बताता हूँ दो टाइप के प्लांट्स है, एक सेंट वाला, एक विदाउट सेंट वाला। तो अभी फिलहाल मैं आप लोग को बताता हूँ सेंट वाले प्लांट्स। सेंट वाले प्लांट्स के अंदर ये कार्पेट ग्रास है। ये कार्पेट ग्रास है, पिगनी ग्रास बोलते हैं इसको, कार्पेट ग्रास है ये। ओके, 100 रुपीज के हिसाब से बंच आता है इसका। इसको कार्पेट कर सकते हैं अरे भाई? हाँ, ये कार्पेट ग्रास, इसको पिगनी ग्रास बोलते हैं इसको। ये आप इसको इजिली लेके एक एक सिंगल सिंगल भी इसको आप लगाएंगे तो भी ये 2 से 2 बंच से 3 बंच के अंदर आपका प्लांटेड बन जाता है। छोटा कार्पेट का ये 100 रुपीज का बंच आता है। और अगर प्लांटेड में सॉइल में अगर कोई लगाने हैं तो सॉइल में लगाने के लिए ये भी सॉइल वाला ही है भाई। और इसके अलावा यहाँ पे जितने प्लांट दिख रहे हैं आपको ये टैंक के अंदर सब सॉइल वाले, और वहाँ पे भी सब सॉइल वाले। आपने भी जैसे लगाए इनको सैंड के अंदर में वैसे हम भी लगा सकते हैं ना। अगर आपका टैंक साइज के हिसाब से अगर आप लगाना चाहते हैं फ्रंट में तो ये कारपेट के लिए है, उसके बाद में बैकग्राउंड फोरग्राउंड है, उसके बाद में बैकग्राउंड है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लगा रहे हो। अगर आपको नॉर्मली एकदम लमसम में एकदम जंगल बनाना है तो आप लमसम में प्लांट लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जितना जंगल रहता है उतना मच्छी में ज़्यादा लुक आता है। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसके अंदर बोस्मानिया वगैरह है, हॉकी है, इसके अंदर ब्लैक है, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ है जो ज़्यादा प्लांटेड में भी अच्छे लगते हैं। अगर आपको ऑनली फॉर कार्पेट करना है तो आप ये लगा सकते हो, इसके अलावा आपको बड़े प्लांट लगाने तो बड़े प्लांट। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बोलते हैं कि सैंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल प्लांटेड टैंक चाहिए लेकिन उसमें सैंड नहीं होना चाहिए। विदाउट सैंड के लिए आपको फिर लगाना पड़ेगा जावा फन। ओके, ये वाला प्लांट है, यहाँ पे एक वैरायटी अनुबियस है, अनुबियस नाना। ओके। एक वुड पे भी लगा सकते, पत्थर पे भी बांध सकते, सेकंड में थर्ड में आप अनुबियस की वैरायटी है, ड्रैगन क्लोन नाम है इसका। ओके, ये भी अनुबियस की, ये भी पत्थर पे बांधेगा और या फिर आप इसको ड्रिफ्ट पे लगा सकते हैं। ओके।
हमने ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया, बट अभी इसके बारे में लाइटिंग के बारे में कैसा? लाइटिंग अगर आपके टैंक के ऊपर कवर लगा हुआ है तो आप नॉर्मली हार्डवेयर में जाके आप लाइट लेकर वाइट वाला लाइट लेना होता है। हाँ। वो वाइट लाइट लेके जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पे देखेंगे आप ये। ओके हाँ, ये ट्यूबलाइट लगाया है भाई। हाँ, सादी 40 वोल्ट की 40 वोल्ट की मैंने लगाया वाला टैंक है इसके लिए। ओके ओके ओके, तो आप हार्डवेयर में जाके 15 वोल्ट का या 10 वोल्ट का भी लगा सकते हो। कवर नहीं है ऊपर में तो? अगर कवर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। 750 रुपीस के रेंज में आपको या 700 के रेंज में आपको एलईडी लाइट मिल जाता है पैनल वाला। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे लगाया है ऐसा हो गया है, फिर वो रखने वाले ऊपर रहते ना वहाँ पे। हाँ हाँ, वो उस टाइप के ऊपर रखने वाले पैनल लाइट है वो। फिल्टर कौन सा यूज करना है हमारे टैंक सेटअप हो जाने के बाद में? देखो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप हैंग ऑन फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। हैंग ऑन फिल्टर 400-450 रुपीज़ के रेंज में मिल जाता है। ओके ओके, इसके अलावा आपको स्पॉन्ज फिल्टर 250 रुपीज़ के रेंज में मिल जाता है छोटा टैंक है तो, 250 से 300 रुपए के रेंज में मिल जाता है आपकी साइज़ के टैंक पे, डिपेंड आप कौन सा साइज़ लिए। ओके, तो ये आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो रैंडमली मैंने स्पॉन्ज फिल्टर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कर रहे हो कम बजट में? हाँ, एक स्पॉन्ज फिल्टर मैंने लगा रखा हूँ वहाँ पे, एक छोटा सा फिल्टर लगाया, वो ये अपना पावर फिल्टर लगाया ताकि फ्लो ज़्यादा बढ़ा है ना मेरा टैंक, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कचरा खींचने के लिए उसको लगाया हो। बट आपका छोटा टैंक है तो आप स्पॉन्ज फिल्टर लगा सकते हैं बेस्ट है। ओके अरे भाई, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या बचेगा आपका, टैंक लाए, ओके सैंड डाले, प्लांट लगाए, ओके फिल्टर ऑन कर दिए, छोड़ दिए, ऑन कर दिए। ओके, अब आपको क्या करना है, सैंड डाले, प्लांट डाले, सब हो गया, फिल्टर ऑन कर दिए, छोड़ दिए। अब आपको लिक्विड यूज़ करना है। ओके, ये वाला ये लिक्विड है यार। हाँ, फर्टिलाइजर कोई भी कंपनी का यूज करो, जरूरी है भाई, प्लांट मर जाते हैं तो। ओके, एक ये खाद मिलना मांगते हैं, मिनरल वगैरह, और इससे एक्चुअल खाद का काम करेगा, फर्टिलाइजर है तो अच्छा काम करेगा ये। कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, 200 रुपीज़ के रेंज में आता है। प्लांट मैजिक भी आता है मेरे पास, प्लांट मैजिक भी है, 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके अलावा ये CO2 लिक्विड है, हफ्ते में 3 बार यूज़ करो, डेली यूज़ करो ये प्लांट के लिए। रात में यूज़ करने का, आपका टैंक छोटा है तो 4-5 ड्रॉप 6 ड्रॉप डालने का आपको इसके हफ्ते में 3 बार ये करेंगे और ये डेली करेंगे, 6-6 ड्रॉप डेली डालो, आपका प्लांट टकाटक रहेगा। अरे भाई, हमने टैंक सेटअप कर लिया, अभी इसको मेंटेन कैसे करेंगे सबसे बड़ी बात? हाँ, यही तो डरेंगे सबसे बड़ी बात, के पब्लिक के दिमाग में क्या लगता है कि पूरा सामान और पूरा झमेला बाहर निकाल के उसको पानी चेंज करना पड़ता है, टाके धुलना पड़ता है, ऐसा नहीं है इसका। ये सेंट है और ये टैंक है, ये प्लांट है। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, तो टाकी को हल्के से आग डाल के स्क्रबिंग करना है, पूरे टैंक को स्क्रबिंग करना है आपको, बॉटम में कुछ नहीं करना है, ग्लास को क्लीन करना है। आपने स्क्रबिंग कर लिया, आपको छोटा पाइप लेना है, आप छोटा टैंक है तो आप इसको ऑक्सीजन का पाइप भी यूज़ कर सकते हो, या फिर लेवल पाइप आता है ना जो हार्डवेयर में मिलता है, लेवल पाइप थोड़ा सा मीडियम साइज़ का रहता है, वो पाइप भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, वो छोटा पाइप लेके आपको बॉटम के अंदर हल्का हल्का सा जो कचरा रहता है नीचे बॉटम के अंदर, वो आपको उठाना है, है ना, आपको 30-40% आपको पानी चेंज करना है। ओके, तो अभी ओनली 30-40% फुल वाटर चेंजेस नहीं करना है, फुली पानी चेंज नहीं करने का, सैंड डिस्टर्ब हो जाती है, प्लांट निकल जाएगी ज्यादा। ओके ओके, आपको क्या करना है, कचरा, हाँ नहीं, ऊपर का कचरा और नीचे का जो बॉटम में कचरा रहता है, बॉटम का अगर कुछ कचरा होता है, वो बारीक पाइप से आपको कचरा खींच के निकालना है। ओके, उसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अंदर 30-40% आपको हफ्ते में 2-3 बार आपको पानी चेंज करना पड़ेगा प्लांटेड, अगर आपने नया लगाया तो। अगर आपका प्लांटेड जूना होता है तो हफ्ते में एक बार भी कर सकते। और इसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपके प्लांट बढ़ जाते हैं तो आपको उसको निकाल कर कुछ नहीं करना है, आपको कैंची से ऊपर आपको काटना है, जैसे कि एग्जांपल, हाँ एग्जांपल, ये बड़े हो गए, इसको कैंची से काट दो यहाँ से, फिर वो बड़े हो जाएंगे बाल की तरह, और बड़े हो जाएंगे। हाँ, आपको सिर्फ कट करना है, शेप देना है, जैसे अपन बाल बनाते हैं उस तरह से आपको शेप देना है, बस हो गया आपका टैंक रेडी। तो आदि भाई, इस तरह से हमने बजट वाला प्लांटेड टैंक बना के उसको मेंटेन कैसे करना है उसके बारे में भी आपने बताया। ये एकदम इजी तरीका है, जिस तरह से आप अगर बड़ा टैंक लेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट बड़ा हो जाता है, अगर इसको डबल कर लेंगे तो भी चल जाएगा, उसी कॉस्ट में आपको पड़ जाएगा। यानी सेम तरीके से आप बड़े टैंक्स भी बना सकते हो भाई? आप घर में कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। छोटा नॉर्मली टैंक लेने जाएंगे तो 5,000-6,000 रुपये कोट कर लेता सम वाला, मगर आप नॉर्मली खुद ही बना सकते घर के अंदर। हम जब भी मार्केट में जाते तो बहुत महंगे महंगे लाइट हमें देखने को मिलते हैं, 20,000, 25,000, 40,000, तो इसमें नॉर्मल आदमी कैसे क्या सर्वाइव कर पाएगा यानी प्लांटेड टैंक को लेके? एक्चुअल लाइट तो लाइट है भाई, क्या है कि आप लोग को बताओ, जो लाइट ये रोशनी दे रही वो भी वही रोशनी दे रही, बट इतना है कि उसका पावर सेम रहना चाहिए। एग्जाम्पल, आप बड़ा टैंक में 40 वोल्ट का लगा रहे हो, इनफ है, इतनी रोशनी दिया मैंने उतनी रोशनी दिया, इनफ है उसको, वाइट लाइट चाहिए। हाँ हाँ, ये दोनों 40 वोल्ट की लाइट है, मैंने दिया उसको 500 रुपये में लाइट आई है मेरे को, ये 1 साल के वारंटी के साथ में। ओके, काम रोशनी का कर रही है, आपको
बड़ा बल्ब लगा के भी उतनी रोशनी मिल रही है, 40,000 रुपये लगाने की जरूरत क्या जब 500 रुपये में वही काम हो रहा है तो। सही बात है आरी भाई, है ना। तो आरी भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज शेयर किया है आपने प्लांटेड टैंक के बारे में हमारे साथ में, और आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स है उनको भी पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा प्लांटेड टैंक कैसे डेवलप करना है इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छा सा नॉलेज शेयर किया है। ओके आरी भाई थैंक यू वेरी मच। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।